ही ताना यार, आज तुमने मुझे टेस्ट में बचा लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। पर मोंटी, तुम खेलते ज्यादा और पढ़ाई कम करते हो। हाँ पता है मुझे, मैं स्पोर्ट्स में चैंपियन हूँ और तुम पढ़ाई में। हाँ और आज मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम्हें अपनी मम्मी के हाथों के बनाए नूडल्स खिलाना होगा मुझे। आ जाना मेरे घर पे और अगले साल मैं तुम्हें ना तुम्हारे बास्केटबॉल टीम में भी हेल्प कर दूंगा। हाँ ओके, चलो कल स्कूल में मिलते हैं, मेरा घर आ गया। ओके बाय बाय। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। कई बार वार किया चाकू से। हाँ सर, बहुत बेरहमी से मारा। और हाथापाई के कोई निशान दिख तो नहीं रहे सर। हाँ सर, घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल सही हालत में और जबरदस्ती घुसने के कोई भी निशान नहीं। सर घर में लूटपाट भी नहीं है, सब चीज अपनी जगह पर है। जब ये सब हुआ आप कहाँ थे? मैं तो बाजार गई थी, वापस आकर मालकिन को इस हालत में देखा और मैंने आपको फोन किया। उस वक्त आपकी मालकिन घर में अकेली थी? नहीं, उनकी बेटी एनी भी थी। तो फिर उनकी बेटी एनी कहाँ है अभी? साहब मैं एकदम से डर गई तो मैं अंदर नहीं गई, पर एनी शायद अपने कमरे में होगी। सर। हाँ वंश। ये देखिए। सर एनी तो यहाँ भी नहीं है। मतलब वो खूनी यानी को ले गया। बच्चे काम करो, सिक्योरिटी गार्ड को अंदर बुलाओ जल्दी। रितु, रितु, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ए भगवान, क्या हो गया मेरे? संभालो अपने आप को राज। रितु, रितु मेरी पत्नी है। ये क्या हो गया सर? किसने किया ये सब? हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक बात और बतानी है आपको कि आपकी बेटी एनी भी गायब है। क्या? एनी गायब है? एनी, एनी! राज, भगवान क्या हो रहा है ये सब? मत रखो राज, संभालो अपने आप को। राज आप ये बताइए कि किसी तरह की कोई धमकी मिली थी आप लोगों को? कोई कोई धमकी नहीं मिली सर। सर राज भैया तो एक बड़े बिजनेसमैन है और बड़े बिजनेसमैन का तो कोई ना कोई दुश्मन हो ही जाता है। सर लगता है खूनी एनी को अगवा करने के लिए आया था और रितु से बचाने के लिए बीच में आ गई, इसलिए वो रितु को मारकर भाग गया। सर ऐसी क्या वजह हो सकती है? रितु दी तो सबकी हेल्प करते थे, अगर उनको कोई उल्टा सूटा भी बोले ना तो किसी को पलट के जॉब नहीं देते थे। Excuse me, सर, ये रहा सिक्योरिटी गार्ड। हाँ सर, क्या हुआ? कोई यहाँ से आने को उठा के ले गया और तुम्हें मालूम नहीं? साहब उस वक्त रेखा मैडम ने किसी जरूरी काम से बुला लिया था तो मैं उनके पास चला गया सर। हाँ सर, दरअसल मुझे कुछ सामान शिफ्ट करना था इसलिए मैंने इन्हें बुलाया था। लेकिन आज तो एनी का टेस्ट था, फिर वो स्कूल से जल्दी वापस कैसे आ गई? नहीं पर आज तो एनी स्कूल गई नहीं। क्यों? एनी बीमार थी। क्या?
कल शाम को जब मेरी रितु से फोन पे बात हुई तब उसने कुछ बताया नहीं कि एनी बीमार है। एनी की तबीयत देर रात को खराब हो गई, इसलिए स्कूल नहीं गई। तो फिर अगवा करने वाले को ये कैसे पता चला कि एनी बीमार है, वो स्कूल नहीं गई है, घर पर ही है? इसका मतलब कोई तो नजर रखे हुए इन पे है। कौन हो सकता है? ये एनी बीमार थी तो उसे देखने के लिए कोई डॉक्टर तो आया होगा? हाँ हाँ, डॉक्टर कुमार आए थे। डॉक्टर कुमार, ये आपके फैमिली डॉक्टर है? हाँ सर। सर नंबर देना उनका। बिटुआ कौन सी गाड़ी? वो सफेद कलर की बड़ी सी गाड़ी। सफेद कलर की गाड़ी? अरे हाँ, वो तो वो रास्ते से अंदर चली गई। वो पतली गली से? हाँ हाँ, वहीं से अंदर। शुक्रिया। किचन में खाने पीने की चीज में ऐसी कोई दवाई या कोई जहर नहीं मिला जिससे एनी की तबीयत खराब हो सके। डॉक्टर साहब, इनके फैमिली डॉक्टर का कहना है कि कल रात
एनी को फूड पॉइजनिंग हुई थी जिसकी वजह से आज वो स्कूल नहीं गई। डॉक्टर ने सही कहा होगा दया, लेकिन किचन में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर जहर कहाँ होगा सर? पंकज, एक बच्चे की तरह सोचो जब तुम स्कूल जाते थे। सर, उसके लिए तो मुझे टाइम मशीन में जाना होगा। पंकज, दया सर तुम्हें बच्चा बनने के लिए नहीं कह रहा, बच्चे की तरह सोचो। अच्छा, वो तो मैं कर सकता हूँ सर। तो ये बताओ कि बचपन में घर में बना हुआ खाना खाना पसंद करते थे तुम? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हमेशा बाहर ही खाता था सर। और तो और मैं इतना खाता था कि मेरा पेट भर जाता था सर। बिल्कुल ठीक। पंकज वंश, हैनी का कमरा चेक करो, देखो वहां पे ऐसी कोई चीज है कि जो उसने बाहर से खरीदी हो। यस। के अंदर रैपर? दया सर, ये एनी के कपड़ों में रैपर मिला है। आइसक्रीम रैपर? ये एनी ने ये आइसक्रीम रैपर अपने बैग में इतने संभाल के क्यों रखा था? सर, उसकी माँ को काफी सफाई पसंद थी, हमेशा उसे सिखाती रहती कि रास्ते पर कुछ मत फेंको और अगर बाहर कुछ खाओ तो रैपर वगैरह बैग में ही रख लिया करो। बहुत अच्छी आदत है। तारिका जी जरा चेक करना इसमें। कुछ तो बैक्टीरियल एक्टिविटीज हो रही है इसमें, लेकिन एग्जैक्टली कौन से बैक्टीरिया है ये तो लैब में जाके ही पता चलेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके पता करो कि इसमें जहर तो नहीं है। गाड़ी से किडनैप कर रहे थे ना, मैंने देख लिया था, तो मैं साइकिल से पीछा करते करते आ गया। साइकिल से तुमने गाड़ी का पीछा किया? हाँ, आखिर तुम्हारी जान का सवाल था, आना ही था। मॉन्टी, तुम यहाँ क्यों है? तुम्हारे भी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या तुम्हारी जान जाने देता? मॉन्टी, ये फिल्म नहीं है, ये सच के गुंडे है। अरे इसलिए तो आया तुम्हें बचाने। थैंक यू सो मच, यू आर माय ट्रू फ्रेंड। लेकिन अच्छा, कुछ खाओगी? बहुत प्यास लगी है। एक मिनट, मैं पानी देता हूँ। ये लो। हाथ तो खोलो। थैंक यू। लेकिन ये लोग थे कौन? मुझे नहीं पता, पर मैंने एक आवाज सुनी थी। वो आवाज पता नहीं जानी पहचानी से लग रही थी। वो आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। पर है कौन वो? मुझे कुछ याद नहीं है।
ये लड़के किससे बात कर रही है? पता नहीं। अच्छा चलो चलो, रुक मैं देख के आता हूँ। आ जाओ चलो। फंस गए। अब क्या कर रहे हैं? लगता है कोई आ रहा है। क्या करें अभी? किससे बात कर रही थी तू? किसी से नहीं, वो मैं पोयम बोल रही थी। बोर हो रही हूँ ना, तो अपनी क्लास की पोयम बोल रही थी। ठीक, मैंने सुना तू बात कर रही थी, मेरे कान नहीं बज रहे, समझी? नहीं, मैं सच में पोयम बोल रही थी। सही कह रही है ना? हाँ। सर, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट। हमारा शक सही था, आइसक्रीम में कैंपिलोबैक्टर बैक्टीरिया मिला था। क्या सर, इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मेरी बेटी को जहर दिया? हाँ, शायद इसी की वजह से आने का पेट खराब हो गया और वो स्कूल नहीं गई। सर, फिर उसने आइसक्रीम खरीदी कहाँ से हुई? शायद स्कूल के बाहर से या कॉलोनी के पास से। पहले ये पता करना होगा कि एनी कल कहाँ कहाँ गई थी। अच्छा, ये एनी बिल्डिंग के बच्चों में ही खेलती है या कहीं और जाके? बिल्डिंग के बच्चों के साथ ही खेलने जाती थी। बेटा इधर आओ। क्या नाम बेटा आपका? मोंटी। सर ये मोंटी है, एनी का बहुत अच्छा दोस्त। सर दोनों साथ साथ खेलते हैं, आज वो नहीं है तो ये बहुत अपसेट है। अच्छा मोंटी बेटा, ये बताओ कि कल तुम एनी के साथ खेल रहे थे? हाँ। कहाँ कहाँ गए थे खेलने के लिए कल? कल हम चितरंजन पार्क में गए थे। चितरंजन पार्क। अच्छा, एनी ने कल तुम्हारे सामने आइसक्रीम खरीदी थी, खाया था उसने? हाँ, जब हम कल पार्क से घर वापस आ रहे थे तब खाई थी। बेटा उसने वो आइसक्रीम कहाँ से खरीदी थी? वो दुकान याद है तुम्हें? हाँ, पार्क के बाहर एक आदमी आइसक्रीम बेचता था, वो ठेला गाड़ी पे, एनी उसी से रोज आइसक्रीम खाती थी। तो कल भी उसी से खरीदी थी? नहीं, कल जब हम पार्क से निकले तब बहुत लेट हो गया था, वो आइसक्रीम वाला चला गया था। शाम के 7 बज गए थे, इसलिए फिर एनी ने रास्ते से आइसक्रीम खाई थी। अच्छा बेटा, वही आइसक्रीम वाले से खरीदा ना जो हमेशा पार्क के बाहर खड़ा रहता है? नहीं, ठेला वही था पर आदमी दूसरा था। आदमी दूसरा था? ठीक है मिस्टर राज। सर क्या हुआ बेटा, कुछ कहना चाहते हो? मोंटी तुम यहाँ क्यों है? तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है। और मैंने एक आवाज सुनी थी, वो आवाज पता नहीं जानी पहचानी से लग रही थी। हाँ बेटा बोलो, कुछ कहना चाहते हो?
नहीं। पक्का कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं। कल इस लड़की को आइसक्रीम तुमने बेची थी? साहब, ये तो अपनी एनी बिटिया है। पता है, तुम ये बताओ कि तुमने इस बच्ची को आइसक्रीम बेची थी? नहीं साहब, पार्क बंद होते ही मैं वापस आ गया था और एनी बिटिया तब तक पार्क के अंदर ही थी वो। झूठ मत बोलो, कल जहर लगा हुआ आइसक्रीम का रैपर हमें उसके बैग में कैसे मिला फिर? मुझे सब याद आ गया। कल शाम को जब मैं वापस लौट रहा था तो किसी ने जोर से मेरे सर के पीछे मारा और मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गया। सर, वो मेरी गाड़ी लेकर भाग गया आइसक्रीम वाली। गाड़ी बना रहे तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, ये देखिए सर पे चोट लगी है। साहब, जब मेरी आंख खुली तो आइसक्रीम की गाड़ी वहां पे नहीं थी। जरूर लुटेरे ने एनी बिटिया को आइसक्रीम में जहर मिलाकर बेचा होगा। साहब, तुम्हारी आइसक्रीम की गाड़ी किसी ने लूट ली है ये बात तुम्हें हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मैंने पुलिस स्टेशन में गाड़ी खो जाने की रिपोर्ट लिखवाई है साहब। सर, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, कितने बजे हुआ ये घटना? सर, कल शाम 7 बजे के आसपास। शाम को 7 बजे के आसपास? और कहाँ हुआ ये हमला तुम पे? सर, वो चार रास्ता है ना, शास्त्री नगर, वहां पे हुआ था सर। बॉस, कल तक हो जाएगा बॉस, पक्का बॉस। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, हो जाएगा सारा काम बॉस। हाँ, नहीं नहीं, हाँ बॉस, ठीक है ठीक बॉस। हाँ, उसको भेजता हूँ मैं आपके पास। हाँ ठीक बॉस। हेलो, हाँ बॉस। ओके ओके बॉस, मैं आता हूँ अभी। मोती बेटा, आज तो तू बच गया। मोंटी, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोलो। और ये क्या है? ये किसके लिए? मैम, वो एनी ऊपर है। क्या, एनी ऊपर है? मैम, गुंडों ने उसे कमरे में बंद करके रखा है। क्या, यहाँ पर आओ। तुम्हें कैसे पता? मैम, मैंने उसे देखा था जब उसे किडनैप करके लेके जा रहे थे, तो मैंने उसका पीछा किया था। मोंटी, जब हमने तुमसे पूछा तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वो मैं डर गया था मैम कि यानी को कुछ हो ना जाए,
क्या हो जाता है एनी को? मैम, एनी ने बताया मुझे कि उन गुंडों के साथ कोई एनी का जान पहचान वाला था। एनी ने उनकी आवाज सुनी थी। कुछ बताया उसने? कौन आदमी था वो? नहीं, उसे याद नहीं। मैं आप लोगों को पहले ही बताने वाला था, पर एनी के फैमिली मेंबर्स और उसके नेबर्स थे। मुझे लगा शायद वो आदमी भी वहाँ होगा, इसलिए मैं चुप रहा। मोंटी, तुम्हें हमें अकेले में बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, रो मत। हाँ, सर, सहनी का पता चल गया। उन लोगों ने उसे उदयनगर एरिया में किसी बंद पड़े हुए मिल में रखा हुआ है। ओके सर, ठीक है। मोंटी, तुम अब घर जाओ, ठीक है? मैम, एनी को कुछ होगा तो नहीं ना? चिंता मत करो, एनी को कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। जाओ। सर, नथु ने यही जगह बताई थी। कांच के टुकड़े, खून भी है। वाच, सैंपल उठा लो। सर, मतलब वो सच कह रहा था? नत्थु के कहने के हिसाब से उस पे हमला यहाँ पे हुआ था, और वो इस तरफ जा रहा था, घर की तरफ। पता चल जाएगा, आसपास पूछताछ करते हैं। देखो सर, सुनो भाई साहब, आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? जी। अच्छा, ये बताओ कि कल शाम 7-7:15 के बीच में आप लोगों ने यहाँ सामने एक आदमी पे हमला होते हुए देखा था, वो फ्री वाला आइसक्रीम बेचता है? जी नहीं सर, हम सब सारे वर्कर्स काम करने वाले यहीं पड़ते हैं, पर ना तो उसके बारे में कुछ सुना और ना ही कुछ ऐसा देखा। सर, कमाल की बात है सर, यहाँ पे किसी ने भी ये घटना होते हुए नहीं देखी। इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सारे वर्कर्स थे यहाँ पे उस वक्त, और ये नजदीक ही है, सामने दिखता है, मगर किसी ने कुछ देखा नहीं, ना ही सुना। मगर सर, ये कांच के टुकड़े और ये खून, ये तो सबूत है ना हमारे पास? रोड तो आगे बंद, तो फिर नथु यहाँ इस रास्ते पे आगे कहाँ जा रहा था? मतलब सर, वो नथु ने झूठ बोला? लगता है उसे प्यार से पूछना पड़ेगा, अब वही बताएगा। चलो। CID से। तुम यहाँ कैसे? घबराओ मत। We'll be right back.
यहाँ से अभी कोई भाग के गया? वो सेठ क्या साहब? क्या गर्मी है यार, पेट भी गड़बड़ लग रहा है। कर लो, कहाँ गए? सॉरी भाई साहब, सॉरी। स्कूल की ट्रेनिंग काम में आ गई। मैं कहानी सुनने की आदत नहीं है, सच क्या है सिर्फ वो बता। साहब किसी ने मुझसे झूठ बोलने को कहा था। साहब तुझे शर्म नहीं आई? एक छोटी सी मासूम बच्ची को आइसक्रीम में जहर दे दिया तूने। साहब मुझे नहीं पता था साहब कि वो लोग किसी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। साहब साहब उन्होंने मुझे पैसे दिए थे साहब मेरी गाड़ी के लिए और अपने बारे में झूठ बोलने के लिए। सर किसने दिए थे पैसे? शायद उसका नाम ललन है सर। सर ये नाम भी झूठा बता रहा है। उसका फोन नंबर दे उसका। सर उसका नंबर तो नहीं है मेरे पास सर, लेकिन वो मुझसे मिलने आया था सर। अच्छा कहाँ मिलने आया था और उसका हुलिया बता, उसकी नजर हम उतारेंगे। सर पूर्वी का फोन अभी बंद आ रहा है, लगता है किसी मुश्किल में फंस गई है वो। संभाल के, उनको शक हो गया तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। चले गए। कब कहाँ चले गए? सर पूर्वी मैम पकड़ी गई और गुंडे उन्हें वैन में लेके कहीं चले गए पता नहीं। कितने गुंडे थे बेटा? सर चार गुंडे थे, पूर्वी मैम थी और मेरी फ्रेंड एनी थी और पता नहीं और भी बच्चे थे। एनी के अलावा और बच्चे थे उनके साथ? हाँ सर। कितने बच्चे थे? सर 9-10 बच्चे थे। हम लोग सोच रहे थे कि गुंडों ने सिर्फ एनी को पकड़ा है, यहाँ तो सर सा कहीं भी कुछ नहीं मिला। कोई भी नहीं अंदर? सब खाली है सर। लेकिन सर ये गुंडे चाहते क्या हैं? क्योंकि अब तक इन लोगों ने एनी के पिताजी से फिरौती की कोई मांग भी नहीं की है। मामला कुछ और ही है, फिरौती नहीं मांगी उन लोगों ने। बच्चे तुमने उस वैन का नंबर देखा था? हाँ सर, वो सफेद कलर की वैन थी और उस वैन का नंबर था MH04FK2207। चलो बच्चों, आ गया तुम्हारा असली घर। अब सब नीचे उतरेंगे और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेंगे, कोई चू चपड़ नहीं, समझे? और मैडम तुम यहीं वैन में बैठोगी, समझी? चाबी दे। ए, चल बाहर, चल आजा, चल, चल।
मैम आप लिख तो है। वो भाग के जाएगा तो जेल कौन जाएगा? सर मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ बच्चों को एनजीओ लेकर आया था, मैंने कुछ नहीं किया। सर कुछ बदमाशों ने एनी को रास्ते में उतार ली। एनी कहाँ? बंद। सर हमें कुछ नहीं पता सर, कसम से सर। बता दे वरना तो कभी बोलने लायक नहीं रहेगा, समझा? सर कसम से हमें कुछ भी नहीं पता सर, ये कबीरा का प्लान है सर। ठीक है, एनजीओ में फोन लगा, बोल बच्चों को लेकर आया। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अंदर हैं। बच्चे चाहिए? एनजीओ की आड़ में जो ये तुम्हारा धंधा चल रहा है ना, सब पता चल चुका है हमें। नहीं सर, यहाँ पर कोई भी घोटाला नहीं हो रहा, सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट लोकल पुलिस ने वेरीफाई किया सर। बच्चों को अगवा करके एडॉप्शन के जरिए जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तुम लोग? बहुत जल्दी है। नहीं सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। हैनी कहाँ? सर को उसे कबीरा लेकर गिर के जंगल में गया है किसी को देने के लिए सर। चलाओ। चाहो तो गिन लो, पूरे हजार हजार के हैं। कबीरा पैसे गिनता नहीं, भरोसे पे काम करता है, और भरोसा टूटा आदमी टूटा। अब इस लड़की को तुम जो है कितने जल्दी यहां से दूर ले जा सकते हो, ले जा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। इसका कानूनी नाम मनीषा है और इसको गोद लेने के लिए एक अच्छा खानदान भी तैयार है। आने अपने साथ जाएगी। हा? अपने घर, और तुम दोनों जाओगे जेल। तुमने तो कहा था कोई खतरा नहीं है। मुझे क्या पता क्या आए थे ये लोग। खतरा तो रहेगा ही जब गैर कानूनी काम करोगे तो, सीआईडी का खतरा, समझे? पूर्वी बच्चे को संभालो, खेल खत्म। एनी चल चौधर। एनी आप बताओ, सारे बच्चों को छोड़ के एनी को किसे बेचने चले थे तुम लोग? सर वो मुझे पता नहीं सर, मुझे किसी ने अच्छे खासे पैसे दिए थे काम करने के लिए। कौन है वो? We'll be right back.
उसकी बेटी को मारने चले थे तुम? हाँ, ये राज मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। उसने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया है। क्या किया था राज ने? ये सारे बिजनेस मेरे पापा का था। राज मेरे पापा के यहाँ एक मामूली सा नौकर था। उसने अपनी मेहनत से मेरे पापा का विश्वास जीता और मेरे पापा उसे अपना दूसरा बेटा मानने लगे। तो क्या हुआ? और जब 2 साल पहले हार्ट अटैक से मेरे पापा की मौत हो गई, मुझे पता लगा कि मेरे पापा ने राज को मेरा बिजनेस पार्टनर बना दिया है। और फिर तुम राज से चलने लगे क्योंकि राज तुम्हारे फैमिली बिजनेस का आधा हिस्सेदार बन गया था, क्यों? लेकिन मैंने अपने आप को समझा दिया था कि ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा है। लेकिन फिर मेरे पुराने कर्मचारी माधव से मुझे पता चला एक दिल दहलाने वाली सच्चाई। कैसी सच्चाई? मेरे पापा की मौत नेचुरल नहीं थी, राज ने मेरे पापा की मौत की साजिश रची थी और उसने हमारे फैमिली डॉक्टर को पैसे भी दिए थे पापा की मौत की ड्यूटी रिपोर्ट बनाने के लिए। तो जायदाद का आधा हिस्सा मिलने के बाद भी राज का पेट नहीं भरा? क्योंकि वो सारा बिजनेस हत्याना चाहता था। और जब पापा को उसकी धोखेदारी का पता चला तो वो उसे नौकरी से निकालने वाले थे और इसके पहले ही राज ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। हाँ, इसीलिए मैं राज को ऐसी सजा देना चाहता था कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए। और मैंने उसकी बीवी को मार दिया और उसकी बेटी को इतनी दूर ले जाना चाहता था कि वो तड़प तड़प कर तिल तिल मर जाए। राज ने तुम्हारे पिता का खून करवाया पर तुमने भी कानून की मदद नहीं ली, खुद बदला लेने निकल पड़े। उसकी पत्नी का खून करवाया, बेटी को अगवा किया। राज को तो उसके किए की सजा मिलेगी पर तुम्हें भी सारी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे ही काटनी पड़ेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।